हमारे द्वंद का भी अंत नहीं हुआ। जिन असुरों की आप रक्षा कर रही हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं। मेरा क्रोध, मेरी उग्रता, मेरा तामस आपके समक्ष है। तो क्या अब आप मेरे तामस, मेरे काली रूप को भी नष्ट करेंगे नाथ? महादेव और मेरे बीच का द्वंद इतना तीव्र हो उठा था कि उन्होंने मुझ पे प्रहार करने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया था। ये मुझसे अधिक और किसको ज्ञात होगा माता कि पिताश्री के त्रिशूल का कितना भयंकर परिणाम होता है। सत्य कहा गणेश तुमने, किंतु अचानक फिर मेरे मन में एक विचार कौंधा। महादेव मेरे पति, किंतु वो मेरे भगवान भी हैं और मैं उनकी भक्त, इसीलिए इसी नाते वो मेरे पिता तुल्य भी हैं। तो यदि वो अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा के लिए प्रस्तुत हुए तो वो मेरी रक्षा भी अवश्य करेंगे। ये स्मित हास्य क्यों है आपके मुख पर? क्या आपको इस विकट परिस्थिति में भी कोई हास परिहास की संभावना दिखाई दे रही है? आपकी पत्नी, आपकी सहभागिनी अवश्य हूँ मैं नाथ, किंतु आपकी भक्त भी तो हूँ। फिर आप मुझे क्षति कैसे पहुंचा सकते हैं? आप तो परम दयालु जगत पिता महादेव हैं, आप मुझे क्षति कदापि नहीं पहुंचाएंगे। आप मुझे क्षति कदापि नहीं पहुंचाएंगे। आप मुझे क्षति कदापि नहीं पहुंचाएंगे। उचित कह रही है देवी आदि शक्ति। एक भक्त की रक्षा के लिए मैं अपने अन्य भक्त को आहत कैसे कर सकता हूं? मैं भगवान हूं, अपने भक्तों में भेदभाव नहीं कर सकता। मैं महादेव ने तब ऐसा कुछ कहा जिससे मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। मैं समझा नहीं माता, ऐसा क्या कहा पिताश्री ने? आपके इस कथन से अत्यंत प्रभावित हुआ हूं मैं। आपको वरदान देने की इच्छुक हूं, कहिए क्या इच्छा है आपकी प्रिय? स्वामी, कुछ समय पूर्व तो आप मुझसे युद्ध, मुझे नष्ट करने के लिए आतुर थे और अब आप मुझे वरदान दे रहे हैं। इसीलिए तो आतुलिक प्रेम करती हूँ मैं आपसे नाथ, और मैं ही नहीं समस्त संसार के स्नेह और श्रद्धा के पात्र हैं आप, क्योंकि हम सभी के भोले नाथ हैं आप। बस, हमारे द्वंद का भी अंत नहीं हुआ है। आप वरदान मांगिए, उसके बाद हम युद्ध पुनः प्रारंभ करेंगे। देवी आदि शक्ति, स्मरण रखिए, जिन असुरों की आप रक्षा कर रही हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, और तामस तो अज्ञानता से उपजा अंधकार है, जिसे मिटाना अत्यंत आवश्यक है। मांगिए प्रिय, मुझसे वरदान मांगिए। जिन असुरों की आप रक्षा कर रही हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं। तामस तो मुझ में भी है प्रभु, तो क्या अब आप मुझे भी दंडित करेंगे, नष्ट कर देंगे मुझे? ओ,
माता के अनेक रूपों में ये कदाचित उनका सर्वाधिक प्रचंड और उग्र रूप है। हमारी रक्षा करने के लिए युद्ध करने के स्थान पे ये क्या कर रही है देवी आदिशक्ति? मेरा क्रोध, मेरी उग्रता, मेरा तामस आपके समक्ष है, तो क्या आप मेरे तामस, मेरे काली रूप को भी नष्ट करेंगे ना? और तामस से तो आप भी रिक्त नहीं है प्रभु, वो तो आप में भी है। तामस मुझ में, आपके कंठ में स्थित ये हलाहल विष तामसी नहीं है क्या? और फिर आपका उग्र रूप महाकाल भी तो तामसी है। तो क्या मैं भी उसे मिटाने हेतु आप पर आक्रमण कर दूं? प्रतीत होता है महादेव और माता के मध्य युद्ध का संकट टल गया है। वार्तालाप अनर्गल प्रलाप है, अरे युद्ध से अंत होना चाहिए इस विवाद का। देवी आदि शक्ति को युद्ध करके हमारी रक्षा करनी चाहिए। स्वामी, सतो रजो तमोगुण सभी हम दोनों में ही हैं, और इसमें ही संसार निर्मित है। इसीलिए इन तीनों प्रवृत्तियों के धारकों को संसार में वास करने का अधिकार है। स्वामी, आप यही विचार कर रहे हैं ना कि सतो रजो तमो इन तीनों गुणों का समावेश हम में अवश्य है, किंतु आपके कंठ में स्थित हलाहल विष वहां जगत कल्याण के लिए स्थित है, और मेरी उग्रता जो मेरे काली स्वरूप में प्रकट होती है वो दुष्टों का विनाश कर जगत कल्याण ही करती है। जिन असुरों की रक्षा मैं कर रही हूँ उनकी तामसी प्रवृत्ति तो उनका स्वभाव है, और जब किसी की तामसी प्रवृत्ति की अधिकता होती है तो उससे ऐसा असंतुलन प्रकट होता है जो संसार में दुष्टता को जन्म देता है। और जब जब इन गुणों में कोई असंतुलन आएगा, तामस गुण की अधिकता से किसी दुष्ट की दुष्टता संसार पर छाएगी, तब तब मैं काली उस दुष्ट का संहार करने अवतरित होंगी। मैंने अपनी भक्त दारुका और आपने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा के लिए वरदान दिया है, और अब हमें हमारी उलझन से बाहर आने के लिए मैं आपके वरदान का ही आश्रय लेती हूँ। मुझे वचन दीजिए प्रभु कि हम दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें, जिससे हम दोनों के ही वचन की मर्यादा भंग ना हो। उचित है प्रिय, उचित है प्रिय, उचित है प्रिय। महादेव, माँ आदिशक्ति, आपके इस अर्ध नारेश्वर स्वरूप के दर्शन करके हम कृतार्थ हुए। अब आप दोनों एक होकर इस समस्या का हल सुझाएं। मेरा कहा टल नहीं सकता, किंतु मेरा वचन युग के अंत में सत्य होगा। उस समय केवल सात्विक प्रवृत्ति वाले यहां वास कर सकेंगे, किंतु तब तक मेरी भक्त दारुका भी अपने समस्त समुदाय के साथ इसी वन में वास करेगी। उचित है माता,
महादेव, मुझे आपका ये निर्णय स्वीकार है। तीनों गुण सृष्टि पर स्थित रह सकते हैं, किंतु तभी तक जब तक उनसे किसी अन्य को कष्ट न पहुंचे। किंतु यदि किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंडित होना होगा। और जब प्रलय होगी तब सभी राक्षस और तामसिक प्रवृत्ति धारकों का अंत होगा। जो सात्विक होंगे वही शेष रहेंगे और भावी युगों के चक्र में प्रवेश कर सकेंगे। अगले सतयुग में भी जीवित रहेंगे। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद माता, हम कृतार्थ हुए आपका यह निर्णय सुनकर। दारुक, ये चेतावनी है तुम्हारे लिए। तुम किसी भी अन्य जीव पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करोगे। तुम्हें यदि पृथ्वी के नियमों का पालन करना स्वीकार है तो तुम्हें पृथ्वी पर रहने की अनुमति है। अरे दुष्ट मनुष्य, अरे तेरे कारण हुआ है सब कुछ। स्वामी आप ये क्या कह रहे हैं? अरे क्या कह रहा हूँ, ये माने छलना किए तेरे साथ। आदिशक्ति, और तुम अभी इसका सम्मान करिए। अरे मूर्ख स्त्री, समझ इनके। स्वामी मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं? और तू बंदी बनकर आया था, तूने महादेव का आह्वान किया, दुआ सुबह है और हमसे जीवन का अधिकार छीन रहा है तू। कुछ मंजिल नहीं छोड़ूंगा। और महादेव, आदिशक्ति, मुझे तुम्हारा यह निर्णय स्वीकार नहीं है। अरे इस ब्रह्मांड का नियम है कि जो शक्तिशाली है प्रभुता उसी की होगी, और ये तुच्छ पुरुष ये मेरे सामने खड़े रहेंगे, मेरे आहार हैं ये, मैं खाऊंगा इनको और तू जीवित नहीं बचेगा। नहीं स्वामी नहीं, हट जा मेरे रास्ते से। अगर तू बाधा बनेगी तो तू भी नहीं बचेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी आदि शक्ति की उपस्थिति में तूने इतना दुस्साहस कैसे किया? इतना अहंकार करने वाला तू है कौन? नहीं, यहाँ तक कि वो तेरे लिए महादेव के भी विरुद्ध चली गई, और तूने अपना अहंकार, अपना तामस नहीं त्यागा। अब तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, तेरा अंत निकट है। देवी काली मेरा वध नहीं कर सकती। अब तुझे तेरे अंत से कोई नहीं बचा सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, समय रहते यदि ये अज्ञानता का अंधकार मिटा लेता तो कदाचित सुरक्षित रहता। तामसी होने का अर्थ अन्यायी, अत्याचारी नहीं होता, और जब जब तामस की अति होगी मैं उसका नाश अवश्य करूंगी। वरदान का अनुचित लाभ उठाने वाले का यही परिणाम होता है। अनेक अवसर देने पर भी जो उचित मार्ग पर ना चले
पाप में लिप्त रहे उसे अपने पापों की पराकाष्ठा का उचित दंड तो भुगतना ही पड़ता है, जो मैं अब दूंगी तुम्हें। अन्याय को मिटाना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए यदि असुर अन्यायपूर्ण आचरण करेंगे तो उसे मिटाने में मैं कदापि संकोच नहीं करूंगी। माता, माता, हमें क्षमा कर दीजिए। माता, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मुझे नहीं ज्ञात था मेरे स्वामी इतना अन्याय करेंगे। मुझे मेरी भूलों का, मेरे पापों का इतना बड़ा दंड मत दीजिए। माता, मैंने जो भी किया अपने पति के लिए किया, अब उनके बिना मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। माता, क्षमा कर दीजिए। माता, हमें एक अवसर दीजिए। माता, अंतिम बार मुझ पर दया कीजिए, मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए। माता, ये आप ही कर सकती है। माता, आप कर सकती है। माता, आप कर सकती है। दरुक्का। धन्यवाद माता। स्वामी, 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 स्वामी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। दारुक, आज तक तुमने जो किया और आज जो कुछ भी हुआ उससे ये स्पष्ट है कि तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। तुम्हारी और सभी असुरों की तामसी प्रवृत्ति तुम पर हावी हो जाती है। तुम्हारा अभिमान तुम्हारी बुद्धि और विवेक को डस लेता है और तब तुम जो करते हो वो अनुचित ही होता है, अन्य जीवों के लिए संकट बनकर उभरता है। मैं वचन देता हूँ प्रभु, आज के बाद मैं कोई दुराचारी जीवन नहीं जीऊंगा। मैं कोई दुराव्यवहार नहीं करूंगा। मैं सदाचारी जीवन जीऊंगा प्रभु। अरुका, समझा। देवी आदि शक्ति को दिए वचन को तुम भंग न करो। सदा स्मरण रखो कि तुमने सदाचार को अपनाने का प्रण लिया है। मेरा और देवी आदि शक्ति का यहाँ स्थापित होना अति आवश्यक है। और जब भी तुम हमारा दर्शन करोगे, तुम अन्य किसी पर भी अत्याचार का विचार भूल जाओगे। मेरा ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वर नाम से जाना जाएगा और स्थान पर देवी आदि शक्ति नागेश्वरी नाम से स्थापित होंगी। यहाँ जो प्रेम और श्रद्धा से हमारे दर्शन करेगा उसमें चक्रवर्ती सम्राट बनने की योग्यता उत्पन्न होगी। आज मैं ये घोषणा करता हूँ, इस कलयुग के अंत के बाद
भावी सत्युग में मेरी भक्ति से प्रेरित पराक्रमी राजा वीरसेन यहाँ मेरे दर्शन करेगा और अत्यंत शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। प्रकार मैंने तीनों प्रवृत्तियों को पृथ्वी पर वास करने की अनुमति दी। माता, आपकी लीला अद्भुत है। सर्वप्रथम आपने त्रिमूर्ति और उनकी सहभागिनी देवियों की रचना की, फिर जीवों के निवास हेतु पृथ्वी का निर्माण किया, फिर जीवन ऊर्जा प्रदान करने वाले सूर्य, फिर 84 लाख योनियों के साथ साथ वृक्ष पौधे से युक्त प्रकृति की रचना की। फिर माता, आपने विभिन्न जीवों के निवास के लिए उपयुक्त लोक रचे। और अब त्रिगुण को एक साथ पृथ्वी पर स्थित रहने की अनुमति दी। यदि वो विशेष रूप से तामसी प्रवृत्ति के जीवन अपनी सीमा का उल्लंघन ना करें और अन्य जीवों को कष्ट ना पहुंचाएं। त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णु बल्लभे यथा त्वमचल कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा। माँ, किंतु मेरी एक शंका है। शंका है या प्रश्न? माता, शंका तो प्रश्न की जननी है। शंका से ही तो प्रश्न उत्पन्न होता है। तू उचित कहता है गणेश, तो पूछता क्यों नहीं? पूछ, तेरी शंका से उत्पन्न हुआ तेरा प्रश्न। माँ, अब क्या सब कुशल था? क्या तामसी असुर सदाचार पर स्थित रहे? ये कैसा प्रश्न है? यदि सब कुशल होता तो मैं अपना छिन्न मस्ता महाविद्या रूप धारण क्यों करती? आपका छिन्न मस्ता स्वरूप माता? हाँ, मेरा वो विकराल स्वरूप जो मैं किसी महान उद्देश्य के लिए धारण करती। किंतु माता, अब देवी छिन्न मस्ता के रूप में आपका प्रकट होना क्यों आवश्यक? क्योंकि दुष्टों ने अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं किया। उन दुराचार असुरों को पुनः उचित पाठ सिखाना था मुझे। किंतु माता, आपने देवी काली रूप में दारुक पर प्राणघातक आघात किया था, फिर उसकी पत्नी दारुका ने आपसे दया की भिक्षा मांगी तो आपने दारुक को भी क्षमा कर दिया। किंतु उन दोनों ने आपको वचन दिया था माता कि वो सदा सत्कर्म करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे। इतनी कठोर चेतावनी प्राप्त होने के बाद भी दारुक पुनः दुराचार करने लगा क्या? असुरी प्रवृत्ति इतनी सरलता से कहा जाती है, अपने सिवाय उन्हें किसी का भी भला स्वीकार नहीं, जो प्राप्त है उससे संतुष्ट नहीं। दूसरों को कष्ट देकर उनसे उनका अधिकार छीनने में ही असुरों को आनंद आता है, जो उन्होंने पुनः किया। किंतु इस बार असुरी आतंक का कारण दारुक नहीं, किंतु एक और भयंकर असुर था, जिसका नाम था एकाक्ष। एकाक्ष, एकाक्ष। दारुक और दारुका को शांतिपूर्वक पृथ्वी पर अपने वन में हुए सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो चुके थे। सभी 14 लोकों में पूर्ण शांति थी, क्योंकि सभी जीव एक साथ शांति पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। किंतु फिर भी रसातल में तामस गुण ने पुनः अपना शीश उठाकर राजस गुण पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। एक नवीन असुर पुनः अधीर अशांत होता और इसका प्रारंभ हुआ। असुर एक नेत्र वाला एकाक्ष। एकाक्ष
कुटिल और दुष्ट असुर था एकाक्ष। उसका कुशासन रसातल को इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा चुका था कि भोजन के अभाव में उसकी प्रजा अपने ही नन्हे बालकों को आहार बनाने पर विवश थी। किंतु इस दीन अवस्था में सुधार लाने के स्थान पर उसने इसका दोष दारुक पर मढ़ दिया। अपने सहयोगी बुद्धि और दंतक की बुद्धि में यह विष भरा था कि दारुक और दारुका पृथ्वी पर असुर साम्राज्य स्थापित करने गए हैं, किंतु उसके कारण महादेव का श्राप मिला और असुरों की बुरी अवस्था हुई। अपने असुरों को भड़का कर स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहता था वो। और एक दिवस सहूंगा मैं, मेरे असुरों की दीनहीन अवस्था मैं असुरों को नष्ट नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। मैंने जब अपने भुवनेश्वरी स्वरूप में समस्त लोगों की रचना की थी तो उन सभी पर जीवन हेतु सभी साधन उपलब्ध किए थे। रसातल लोक भी तब पृथ्वी के समान पूर्ण रूप से संपन्न था। मैंने तो धरती पर प्रचुर मात्रा में संसाधन दिए कि सभी प्राणी अपना अपना जीवन यापन करें, किंतु असुरों की लालच की अधिकता ने इस संसाधन को नष्ट कर संपूर्ण वन को ही समूल उजाड़ दिया। एक नवीन उत्साह के साथ जागो, परिस्थिति बदल चुकी है। अब असुरों द्वारा नवीन अध्याय लिखने का यही उचित अवसर है, जागो। किसी भी प्रकार का भोजन चाहिए हमें, भूख लगी है हमें, भोजन चाहिए हमें, किसी भी प्रकार का भोजन चाहिए हमें, भूख लगी है। असुर सम्राट, क्या हमें भोजन के लिए पुकार रहे हैं? कदाचित चलकर हमें देखना होगा, अवश्य ही हम सबको भोजन प्राप्त होगा। देखो क्या हो गए हम, जीवित होते हुए भी मृतकों के समान हो गए हम। बस बहुत हो गया, सदियों से हम असुरों के साथ अन्याय होते हुए आया है, किंतु अब नहीं होगा। ये उजाड़ लोक ही मिला है हम असुरों, राक्षसों, दैत्य और दानवों को, जबकि हमें ज्ञात है हमारे ऊपर हमसे उत्तम 12 लोक हैं। हम पृथ्वी पर नहीं जा सकते क्योंकि उस कपटी दारुक के जीवन की रक्षा के लिए आदिदेव महादेव ने हमें श्राप दिया है। ऋषियों और वहां के मनुष्यों को अपना आहार भी नहीं बना सकते हम, किंतु उसका कोई दुख नहीं है मुझे, क्योंकि जब उससे भी उत्तम लोक उपलब्ध है तो हम पृथ्वी से संतुष्ट क्यों हो? स्वर्ग लोक
स्वर्गलोक चाहिए हमें, स्वर्गलोक चाहिए, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक। हम वहां जाएंगे जो स्रोत है शक्ति धन संपत्ति और सभी सुख सुविधाओं का, वो दुष्ट देवता जो सदियों से स्वर्ग लोक का सुख भोग रहे हैं। अब हम उन्हें उचित पाठ पढ़ाएंगे, स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करेंगे, स्वर्ग लोक हमारा होगा असुरों का। हमें स्वर्ग लोक चाहिए, हमें स्वर्ग लोक चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए, हमें स्वर्ग लोक चाहिए, हमें स्वर्ग लोक चाहिए, हमें स्वर्ग लोक, हमें स्वर्ग लोक चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए, हमें हमें स्वर्ग लोक चाहिए। माता, ये परिस्थिति तो सत्य में विकट थी, फिर आपने क्या किया? परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, हमें कोई अनैतिक मार्ग नहीं अपनाना चाहिए।